आज सैटरडे मौसम बहुत अच्छा था तो सोचा कि वॉक के लिए कहीं जाया जाए, क्योंकि अभी हम जहाँ रह रहे हैं मतलब वहाँ मैं उतना वॉक नहीं कर पाती हूँ, तो सोचा कि नियर बाय कोई गार्डन है तो वहाँ चलते हैं। शाम में मौसम भी ठंडा था, अफजान भी थोड़ा खेल लेगा। तो हम लोग यहाँ आ चुके थे, हम फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे थे। बॉटनिकल गार्डन है जो हमारे घर से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूरी है, तो हम लोग बाइक से आए थे कि थोड़ा सा शाम में बच्चों के साथ अफजान खेल भी लेगा डेली मॉल, और वीकेंड में मॉल ले जाके भी बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसे गार्डन ले आएंगे तो कुछ न्यू भी हो जाएगा उसके लिए, और थोड़ा बहुत हम लोग वॉक कर लेंगे। तो पहले तो अफजान का मूड नहीं सब, उसे लग रहा था कि हम कहाँ आ गए करके, बिल्कुल भी रेडी नहीं था वो अंदर जाने के लिए। और हाँ, इसके अंदर की भी टिकट लगती है, एंट्री फीस भी है, पर पर्सन रहती 40 रुपीज़ है पर पर्सन, बच्चों की नहीं रखती, 5+ के ऊपर रहते जो बच्चे उनकी टिकट लगती है। तो पहले मौसम अच्छा था, साफ था, तो थोड़ी बहुत हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, देख सकते हो यहाँ एनिमल्स भी है, लेकिन शायद हम लोग लेट आए थे इसलिए हमें वो देखने के लिए नहीं मिले। वो ऑलमोस्ट 6 बजे क्लोज़ हो जाता है, बट फिर भी कल 6:30 तक ही ओपन था। तो हम लोग ने पहले सब जगह देखे कि कहाँ क्या है, फिर वहाँ थोड़े बहुत बच्चों के खेलने के राइड्स दिखे तो सोचा अफजान को लेके चलते, और बहुत क्राउड था क्योंकि हर सैटरडे संडे को फैमिलीज आती है अपने बच्चों को लेके, छोटा सा आउटिंग हो जाता है। तो हम यहाँ अफजान को लेके आ गए थे, सोचा कि थोड़ी देर खेलेगा, तो कोई भी ऐसी मतलब स्विंग हो स्लाइड हो कुछ भी खाली नहीं था, सब जगह बच्चे पेरेंट्स सब लोग एकदम ऐसा था कि लग ही नहीं रहा था कि आज कुछ अफजान को खेलने मिलने वाला है। लेकिन फिर भी ठीक है, एक दो राइड्स उसने करा है, और मौसम अच्छा होने की वजह से हमने अच्छा भी लग रहा था। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक है यहाँ पे, तो हम लोग थोड़ा बहुत टहलने वाले भी थे, और कुछ चीज़ें ऐसी थी मतलब पेरेंट्स खाते हैं वहीं गंदा कर देते हैं, तो यार थोड़ी मतलब गार्डन में थोड़ा भी लोग टेक केयर नहीं करते हैं, अगर लाते हो बच्चे को तो थोड़ा सा क्लीनिंग भी रखना चाहिए। बट ओवरऑल ठीक था, अच्छा लग रहा था, मतलब हाँ कभी कभार मंथ में एक आध बार आ सकते हैं हम लोग अफजान को लेके, उसके कुछ फुटबॉल को लेके हम लोग यहाँ आके खेल सकते हैं। तो देख सकते हो ये एक राइड था, लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस था, यहाँ बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल था। फिर अफजान ने थोड़ा बहुत घूमा और मुझे भी अच्छा लग रहा था यहाँ पे, फिर सोचा कि थोड़ी जल्दी से इसकी राइड्स कंप्लीट करके हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर लेंगे। और मेरा तो मन था कुछ एनिमल्स देखने का, बट यहाँ पे अलाउ ही नहीं था अभी इतने बजे। फिर इसने अफजान ने स्लाइड करा, और उसके लिए तो अच्छा हो गया था, काफ़ी दिन बाद वो स्लाइड में बैठा था, क्योंकि हम बेंगलोर में थे वहाँ ये ऑप्शन था, वहाँ पर किड्स प्ले एरिया था तो वो खेल लेता था, यहाँ थोड़ा सा अभी उसका कम हो गया है। फिर हम लोग वॉक कर रहे थे, फिर हमने दूर से ही देखा कि वहाँ हमें एक पिकॉक दिखा, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि चलो यार इतने पास से पहली बार हम लोग पिकॉक देखने वाले थे। और अगर आप लोग भी यहाँ नियर बाय में रहते हो तो यहाँ आ सकते हो यार, काफ़ी बड़ा गार्डन है, मतलब बच्चों का अलग है, यहाँ कुछ कुछ एक्टिविटी भी होती है और उस एक्टिविटी के चार्जेस अलग है। और यहाँ कैनवास पेंटिंग का छोटा सा एग्जीबिशन टाइप का लगा था, आप चाहो तो शायद इसे बाय भी कर सकते हो। तो हम लोग ने यहाँ देखे, बहुत अच्छी पेंटिंग्स थी और हैंडमेड थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ कुछ बैठे भी थे लोग, शायद लाइव पेंटिंग भी करते होंगे, आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं। और आप पीछे देख सकते हो वहीं पिकॉक था, मैं ज़रूर आगे आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हम लोग ने पहले पेंटिंग्स देखे, अच्छा लग रहा था, बट फिलहाल मुझे कभी ऐसे पेंटिंग घर में लगाने का ऐसा कुछ शौक रहा नहीं है, कभी लेंगे कभी ऐसा मौका पड़ा तो। फिलहाल तो हम लोग बस ऐसे देख कर आ गए थे वहाँ पे, बहुत अच्छा सा पूरा क्लीन था, बढ़िया छोटा सा एग्जीबिशन टाइप का था, ये देख सकते हो। पहली बार मैं इतने पास से पिकॉक देखने वाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था, वो बिल्कुल ऐसे पब्लिक के बीच में वो घूम रहा था। तो अफजान ने भी बहुत मतलब पहली बार इतने पास से पिकॉक देखा, और उसके बाद में हम लोग आप भी देख सकते हो, और उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ लेक भी है तो यहाँ बोटिंग भी होती है, लेकिन हम काफ़ी लेट आए थे तो इसलिए हम लोग बोटिंग भी नहीं करे, नेक्स्ट टाइम ज़रूर यहाँ पे बोटिंग करेंगे। उसके भी चार्जेस है, इंटरनली जो भी एक्टिविटी होती है, लेक है जो भी बोटिंग होती है, उस सब में आपको अलग 50 रुपीज़ ही पर पर्सन चार्जेस होता है, ज़्यादा भी चार्ज नहीं है, आप आके अपने फैमिली और बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद हम लोग ने कुछ नहीं किया क्योंकि शाम ज़्यादा हो रही थी, अंधेरा होने वाला था, तो सोचा कि नहीं अब घर चलते, क्योंकि ऐसे गार्डन में अभी बारिश का टाइम है, मतलब ठीक नहीं लगता मुझे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अभी ये गार्डन एरिया में कुछ भी ऐसी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हो सकती है, इसलिए मैं सोची कि अब चलते हैं वापस। देख सकते हो सामने बोटिंग हो रही थी, थोड़ा सा वहाँ पे हाँ क्यू भी था, तो सोचा कि इस बार तो बोटिंग नहीं पर नेक्स्ट टाइम बोटिंग ज़रूर करेंगे। बस यही था छोटा सा हमारा बॉटनिकल गार्डन का व्लॉग, आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।